गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, इलेवंथ के बच्चे ध्यान से सुने। अब मैं आपको आप पावर रूल बता दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया। अब उसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए एक और रूल है आपके यहाँ, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूसिव थ्योरी। पाउली की एक्सक्लूजन थ्योरी है, अपवर्जन का सिद्धांत है। क्या कहना चाहते थे बेटा पाउली? पाउली एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा है कि किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। बात समझ में आई? एक समान नहीं हो सकती हैं। क्या उनकी चारों क्वांटम संख्याएं? क्वांटम संख्याएं क्या आपको मैंने बताया? चारों प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी यानी एजीमुथल, और मैग्नेटिक और स्पिन। बात समझ में आ रही? चुंबकत्व और प्रचक्रण, ये चारों क्वांटम संख्याएं बेटा किसी भी दो एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की सेम नहीं हो सकती। बेटा दो इलेक्ट्रॉनों के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो चारों नंबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का होता है। क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या है कि द नंबर हु गिव इंफॉर्मेशन द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम संख्या कुछ और नहीं, क्वांटम संख्या एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का पता है, एक इलेक्ट्रॉन का पता है ना? तो एक ही दो आदमी का सेम पता थोड़ी हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन के केस में। वैसे तो जनरल हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दो भाई भाई हो तो एक ही एड्रेस पर नहीं रहेंगे ही। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन की बेटा दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इसी चीज़ को इनडायरेक्टली वे में ये कहा है कि केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं जिनका प्रचक्रण विपरीत होना चाहिए। जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया है कि एक ऑर्बिटल से, मान लीजिए ये ऑर्बिटल से बेटा, तो इसमें या तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज होंगे। बात समझ में आ रही है। मतलब ये कहने का इसका मतलब है कि एक ऑर्बिटल्स में पहले अपवर्ड होंगे, उसके बाद फिर क्या होंगे, डाउनवर्ड होंगे। यानी ये सिचुएशन सही है, बट इस तरह की सिचुएशन नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं बेटा? इस तरह की सिचुएशन नहीं हो सकती है। ये देखिए, इस तरह की भी सिचुएशन नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई? हमेशा कैसी सिचुएशन होगी? एक ऊपर एक नीचे। बात समझ में आ गई? यही है बेटा ओवरऑल आपके पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी। ये इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू बेटा।